ये कहानी है कंवल सिंह चौहान की, एक ऐसे प्रगतिशील किसान की जिसकी सूझबूझ और पुरुषार्थ ने हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेना गांव और आसपास के दर्जनों गांवों के करीब 10,000 किसानों की जिंदगी बदल दी। वैसे तो कंवल सिंह 1980 में 18 साल की उम्र में खेती किसानी में सक्रिय हो गए, लेकिन निजी अनुभवों से सीखने और चुनौतियों का नया समाधान तलाशने की उनकी आदत ने 1998 के बाद से ऐसा कमाल करना शुरू किया कि आज इनके पास 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और ये खुद निर्यातक भी हैं। कंवल सिंह के बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसानों को खेती से पहले उनकी उपज खरीदने की गारंटी देते हैं। 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बीज लेकर बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने की, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे क्षेत्र ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। इससे मुझे धान और गेहूं के बराबर जितनी आमदनी होती थी एक साल में, इतना 3 महीने की एक फसल में मुझे आमदनी होने लगी और यहाँ सभी किसानों को इसकी आमदनी इस क्षेत्र में बढ़ गई। अपने इलाके के सामान्य किसानों की तरह कंवल सिंह ने भी बासमती धान की खेती में हाथ आजमाया, लेकिन साल 1985 में फसल में ऐसी बीमारी लगी कि कीटनाशकों, बायोगैस और जैविक उपचारों से भी काबू में नहीं आई। इसके बाद कंवल सिंह ने बेहतर आमदनी के लिए बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती का दामन थामा और उपज को दिल्ली ले जाकर बेचने लगे, लेकिन बढ़िया दाम वहां भी नहीं मिला तो निर्यातक व्यापारियों से रिश्ता बनाया। ये तरकीब उनकी काम कर गई तो आसपास के किसानों को उन्होंने फसल खरीदने की गारंटी देकर प्रेरित किया। 2009 में टमाटर 4 रुपए किलो, बेबी कॉर्न 40 रुपए किलो, स्वीट कॉर्न 5 रुपए किलो और मशरूम 40 रुपए किलो, इसका हम मिनिमम गारंटी प्राइस किसानों को देते थे। इससे ज़्यादा यदि किसान को मिलता था, मंडी आज़ादपुर मंडी यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर नज़दीक है, तो सभी किसान मंडी बेचते थे और यदि मंडी में सस्ता हो जाता तो हम इस रेट पर मंडी किसानों से ले लेते थे। हमारा यही एक प्रोसीजर चलता रहा। इसके बाद में हमने भी रेट बढ़ा दिए, जैसा इस समय में चला तो रेट बढ़ाकर हमने मशरूम का 50 रुपये और बेबी कॉर्न का 60 रुपया और स्वीट कॉर्न का 7 रुपया और टमाटर का 5 रुपया शुरू कर दिया। किसानों को उपज के दाम की गारंटी देने की तरकीब ने चमत्कारी नतीजे दिए, क्योंकि बहुत जल्द ही कंवल सिंह ने ये सीख लिया कि बेहतर और टिकाऊ आमदनी के लिए खेती का प्रोसेसिंग और बाजार से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली मार्जिन तो इसमें है। साल 2005 में कंवल सिंह प्रोसेसिंग दुनिया में दाखिल हुए। किसानों को दाम की गारंटी देने की काबिलियत की बदौलत उन्हें इतनी अधिक उपज मिलने लगी कि देखते ही देखते उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या को बढ़ाना पड़ा। 50 वर्ष में हमने जो उत्पादन बढ़ाया है उसमें क्वांटिटी तो आ गई है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशक से कैसा छुटकारा मिल सकते हैं उसकी तरफ जो है अपने अनुसंधान करें और तभी अपना प्राणी जगत बच पाएगा। नहीं तो आप देख रहे हैं तो इस रसायन के छिड़काव से बहुत से प्राणी जो है खत्म होते जा रहे हैं प्रकृति में। खेती में बदलाव होना जरूरी है, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, कि इसलिए हम यहाँ आप देख रहे हैं बेबी कॉर्न भी बोते हैं। एक खेत में यदि बेबी कॉर्न बोया तो अगले साल इसमें धान लगाएंगे या गेहूं बोएंगे या दूसरी फसल बो देंगे, तो क्रॉप रोटेशन अपनाना जरूरी है, सभी खेती करनी जरूरी है। अब कारोबार बढ़ा तो कंवल सिंह की बदौलत तमाम महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला। देखते ही देखते उत्पादन के दबाव ने उन्हें निर्यातक बनने के गुण भी सिखा दिए। आज कंवल सिंह की कहानी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है, इसीलिए इन्हें पद्मश्री समेत दर्जनों सम्मान भी मिले हैं। कंवल सिंह का एक ही मंत्र है कि बदलाव के बगैर खेती में आमदनी नहीं बढ़ेगी। उनका कहना है कि यदि सरकार किसानों पर ज्यादा ब्याज का बोझ नहीं डाले और किसान प्रगतिशील खेती करे तो उनकी आमदनी नहीं बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। गौरव मनराल, किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।